फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसको शॉर्टकट में हम LPP भी कहते हैं, LPP ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। LPP के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। मैक्स जेड इज इक्वल टू 9x प्लस 13y। मैक्स जेड अदरवाइज आपको यहाँ पर हो सकता है मीन जेड, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिए हमें, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10। तो ये प्रॉब्लम हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलो, तो पहली स्टेप, जो हमें ये जो उन्होंने कंस्ट्रेंट दिए हैं वो कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटीज़ में है। इनइक्वालिटीज़ मीन्स यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू साइन है, तो मैं उसको इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करूँगी। मीन्स यहाँ पर मैं साइन यूज़ करूँगी इक्वल टू, तो पहले वो लिखती हूँ मैं, कन्वर्ट कंस्ट्रेंट इनटू इक्वालिटीज़। तो 2x प्लस 3y यहाँ पर लेस दैन है, तो यहाँ पर मैं 18 लिख रही हूँ, इक्वल टू लिख रही हूँ, लेस दैन के जगह पर इक्वल टू लिख रही हूँ, इक्वल टू में कन्वर्ट कर रही हूँ इसलिए। और सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो ये जो मेरे यहाँ पर है वो कंस्ट्रेंट, ये मेरी लाइन 1 हो गई, ये मेरी लाइन 2 हो गई। तो ये जो कंस्ट्रेंट है उसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये दो लाइन के लिए मैं पहले पॉइंट्स निकालूंगी। तो ये पहले लाइन का पॉइंट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो हमें इस लाइन के लिए पॉइंट्स निकालना है। तो मैं पॉइंट्स निकालने के लिए पहले x में 0 वैल्यू पुट करूँगी, उसके बाद y में 0 वैल्यू पुट करूँगी। अगर यहाँ पर मैंने x में 0 वैल्यू पुट कर दी तो 18 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट आएगा 6। मींस पहला पॉइंट आया मेरा 0.6, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 x की वैल्यू कंसिडर की थी और y मेरा आया 6। उसके बाद सिमिलरली मैं इसी लाइन के लिए y में 0 पुट कर दूँगी। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू 0 इंटू 18, 2x इज इक्वल टू 18, 18 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 9। तो सेकेंड पॉइंट मेरा लाइन का क्या आया, x की वैल्यू 9 और y के लिए मैंने कंसिडर कर दिया था 0। सिमिलरली मैं सेकेंड लाइन के लिए भी पॉइंट्स निकालूंगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो पहले वैसे ही मैंने x के लिए 0 वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो पहला पॉइंट मुझे मिला 0.10। और वैसे ही मैं यहाँ पर x अभी y के लिए 0 वैल्यू पुट कर रही हूँ इस लाइन के लिए, तो मुझे आएगा मेरा 2 इंटू 2x प्लस 0, 2x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो सेकेंड पॉइंट आया मेरा 5.0। तो ये मुझे कंस्ट्रेंट मीन्स मुझे दो लाइंस दी थी, उस दो लाइन के लिए मैंने पहले पॉइंट्स निकाल लिए, क्योंकि उस पॉइंट्स के मदद से मैं ग्राफ निकालने वाली हूँ। तो ग्राफ कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। आप यहाँ पर बुक पर भी ग्राफ निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक्स और वाई के ग्राफ के लिए पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। तो फिर हम देखेंगे इस लाइन के लिए हम ग्राफ कैसे निकालेंगे। पहला पॉइंट है 0.6, तो 0.6 मीन्स ये मेरे पहले लाइन का ये पॉइंट है 0.6, ये मेरा वाई एक्सिस पर आएगा। उसके बाद 9.0 मीन्स ये मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा। तो ये पहले लाइन के लिए मुझे दो पॉइंट मिले, तो ये दो पॉइंट मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। तो ये लाइन मेरी L1 हो गई। L1 लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है पॉइंट्स के लिए, तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर की है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हमें, लेस दैन। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रेंट लेस दैन दिया हो तो उस लाइन का हम टूवर्ड ज़ीरो का पार्ट ड्रॉ करते हैं। टूवर्ड ज़ीरो मीन्स हम ये पार्ट फील करेंगे, अदरवाइज ये पार्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, फील करेंगे।
उसके बाद सेकेंड लाइन के लिए मैं पॉइंट्स, यहाँ पर 10 है तो मुझे यहाँ पर और दो पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, 9 और 10. तो y एक्सिस का मेरा 10, 0, 10 और x एक्सिस का 0, 5, 0. तो ये दो पॉइंट में पॉइंट भी यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देती हूँ. ये मेरी सेकेंड लाइन हो गई. सेकेंड लाइन का इक्वेशन भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 2x + y = 10. तो यहाँ पर इस लाइन के लिए भी हमें उन्होंने क्या कंस्ट्रेंट दिया है, less than equal to 10. लेस देन है इसलिए मैं इस लाइन का भी टूवर्ड्स ओरिजिन का पार्ट क्या करूँगी, फिल करूँगी. यहाँ पर मैंने दो लाइन्स है, दो लाइन्स के लिए पॉइंट्स भी प्लॉट किए और उसके लिए ग्राफिकली लाइंस भी यहाँ पर ड्रॉ कर दी है. तो हमें यहाँ पर फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है. फिजिबल रीजन मीन्स दो हमने जो लाइंस निकाले हैं उनका कॉमन रीजन कौन सा आता है. ये लाइन अगर मैंने कंसिडर की L1, तो इसका यहाँ से यहाँ तक ये रीजन आएगा, ये सारा फील हो जाएगा. और हम यहाँ तक 0 तक ही फील करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है x एंड y > 0. तो हमें निगेटिव पॉइंट का पार्ट नहीं फील करना है. और सेकेंड लाइन का देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेस देन है, इसलिए अंदर का पार्ट मीन्स टूवर्ड्स 0 का हम पार्ट फील कर रहे हैं. तो दोनों का कॉमन रीजन इतना ही आएगा, ये जो है वो. तो दोनों लाइंस का मैं जो कॉमन रीजन निकालती हूँ उसको ही हम कहते हैं फिजिबल रीजन. तो यहाँ पर फिजिबल रीजन, ये एक पॉइंट हुआ फिजिबल रीजन का, ये सेकेंड पॉइंट हुआ, ये थर्ड पॉइंट हुआ और ये फोर्थ पॉइंट हुआ. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरे फिजिबल रीजन के 4 पॉइंट हुए हैं. तो पहला है 0, 0, सेकेंड पॉइंट मुझे मिल रहा है 0, 6. लेकिन ये जो पॉइंट है वो जो आपको ग्राफ पर डायरेक्टली मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको ये पॉइंट ग्राफ पर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आप ये पॉइंट के लिए जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो दो लाइन के इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर कर वो पॉइंट निकाल सकते हैं. ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर कर ये पॉइंट के हम ये पॉइंट कैसे निकालेंगे. और ये भी हमें डायरेक्टली मिल रहा है 5, 0. सो फॉर पॉइंट बी आप डायरेक्टली ग्राफ पेपर पर आपको ये पॉइंट मिल रहा है तो आप डायरेक्टली भी वो पॉइंट लिख सकते हैं. लेकिन आपको ग्राफ पेपर पर एग्जैक्टली पॉइंट नहीं मिल रहा है तो वो कैसे निकालते हैं ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ. तो यहाँ पर जो मेरा बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट जब मुझे मिल रहा है तो कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये 2x + y और 2x + y = 10 एंड 2x + 3y = 18. सो ये दो लाइन इंटरसेक्ट होकर मुझे पॉइंट बी मिल रहा है तो मैं ये दो लाइंस के इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर कर पॉइंट बी निकाल सकती हूँ. तो यहाँ पर 2x सेम है तो मैं यहाँ पर साइन चेंज कर दूंगी और यहाँ पर आएगा -2y = -8. y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी मुझे 4. तो ये y = 4 मैं कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ. तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ तो मुझे x मिल जाएगा. तो पॉइंट फॉर मुझे यहाँ पर x मिल जाएगा 3. फॉर पॉइंट बी के लिए मुझे पॉइंट आया x = 3 और y = 4. आप देख सकते हैं यहाँ पर x जब मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पर 3 मिल रही है और y की भी वैल्यू यहाँ पर मुझे 4 मिल रही है. लेकिन ये मेथड मैंने बताई क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ग्राफ पर डायरेक्टली पॉइंट नहीं मिल जाते, अदरवाइज एग्जैक्टली पॉइंट्स नहीं मिलते तो हम साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर मैं शिफ्ट हो जाती हूँ. यहाँ पर मेरा फिजिबल रीजन आया. इन फिजिबल रीजन कौन सा है हमारा फिजिबल रीजन, OABD. तो यहाँ पर पॉइंट्स कौन से हैं मेरे वो मैं, और ये पॉइंट्स जो है वो मैंने पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत है इसलिए क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन LP में मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना है. तो ये जो मैंने फिजिबल रीजन के जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स मैं
जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है उस फंक्शन में पुट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट है ओ, ओ का पॉइंट है 0, 0। उसके बाद मेरे पास पॉइंट आया ए 0.6। उसके बाद मुझे पॉइंट मिला है बी, तो बी के अभी यहाँ पर हमने पॉइंट भी निकाले 3.4। और सी सॉरी ए बी सी, यहाँ पर मैं बी के बाद सी भी लिख सकती हूँ, आपको चाहिए वो वेरिएबल नेम आप लिख सकते हो, सी 5.0। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी फिजिबल रीजन के निकाले हैं, वो अभी मैं पॉइंट्स जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मैक्स जेड उसमें पुट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर 0, वाई के जगह पर भी मैंने 0 की पुट किया, तो मुझे 0 आंसर आ रहा है। 9 × 0 प्लस 13 × 6, 13 × 6 78। उसके बाद 9 × 3 प्लस 13 × 4 27 + 52 79। तो यहाँ पर 9 × x = 5 और 13 × 0 तो यहाँ पर 45। तो ये जो मेरे फिजिबल रीजन के पॉइंट है निकाले थे वो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दिए। अभी हमें क्या निकालना है, मैक्स जेड। मैक्स जेड मीन्स ये हमें पॉइंट जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट दे रहा है। तो यहाँ पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 79 और 79 ये मैक्सिमम वैल्यू मुझे 3 और 4 ये पॉइंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर हुआ मैक्स जेड 79 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट मुझे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, 3.4। ये हुआ मेरा LPP का फाइनल आंसर, मैक्स जेड इज इक्वल टू 79। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि LPP का प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे ही मैंने अलग सा वीडियो मिनिमाइजेशन के लिए भी किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स स्टैट्स और प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो पहले मिल सके। और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।